गर्ल चाइल्ड, ये भी पता नहीं क्यों हमारे देश में एक मसला बनकर उभर आया है। क्यों हमारे देश के गांव के सभी व्यक्ति चाहते हैं कि घर में बेटा ही पैदा हो, बेटी पैदा हो, क्यों? यहाँ तक कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को भी माननीय प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा था कि लड़की पढ़ाओ और लड़की बचाओ। सबसे बड़ी मुझे आयरनी और सबसे बड़ी जो मुझे एक विसंगति लगती है कि हमारा वो देश जो देवियों का पुजारी है, और एक देवी नहीं है, हमारे यहाँ पर कई देवियाँ हैं, लक्ष्मी देवी है, गौरी है, सरस्वती माँ है, वैष्णो देवी है, आप गिनाओ आपको चंडी देवी मिलेगी, आपको जगह जगह पर मिलेगी। हम जाकर पूजा करते हैं, उसके ऊपर हम लोग लाइनें लगती हैं। उसी देश में लड़की का घर में आना क्यों एक अलार्म पैदा करता है? उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हमारे देश शुरुआत से पुरुष प्रधान देश रहा है। आज की बात नहीं है, बहुत सालों से, मे बी 500, 700, 1000 साल से हमारे देश पुरुष प्रधान रहा है। लेकिन नारी फिर भी इज्जत की हकदार थी, घर संभालती थी, सब कुछ करती थी। आज की नारी सडनली बाहर आना शुरू कर दिया है, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं। बट मैं अगर पीछे जाऊं कि क्यों हर गांव का बंदा नहीं चाहता कि मेरे घर लड़की पैदा हो, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ गांव ऐसे हैं कहते कि लड़की पैदा होगी ना तो हमारे को हमको झुकना पड़ता है, लड़की पैदा होती है तो दहेज देना पड़ता है, हमारा सर झुक जाता है जो लड़का वाले आते हैं। गलत सिस्टम है। इनफैक्ट दहेज को भी इन्होंने बंद करवा दिया, जैसे सती प्रथा को बंद करवाया था। दहेज भी जो देगा वो कानूनन अपराधी होगा, लेकिन माफ करना, हमारी सरकार अपने उस लॉ को, उस कानून को फॉलो नहीं कर पाई। आज भी मेरे यहाँ जितने भी ऑफिस में भी काम करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होता है। मेरे यहाँ किसी के एक वर्कर की 2 लड़कियाँ हो गई, तो उनके घर में उनके फादर बोलते हैं कि लड़का कब पैदा होगा, और वो टेंशन रहता है कि लड़का पैदा होगा। तो ये चक्कर में मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ ये या तो ये इम्प्लीमेंट करो कि कोई भी लड़की वाले को ये डर नहीं हो कि शादी में मुझे अपने पति जो उसका आता है उसको मुझे फ्रिज भी देना पड़ेगा, उसको मुझे मोटरसाइकिल भी देनी पड़ेगी, उसको मेरे को अलमारी भी देनी पड़ेगी और बर्तन भी देने पड़ेंगे। ये चला आ रहा है सालों से। हर सास ये चाहती है कि मेरे को अपने बेटे की शादी है, मैंने बेटे पे इतना खर्च किया है, और वो बेटी वाले से बोलते हैं अरे भाई हमने अपने बेटे की पढ़ाई पे इतना खर्च किया है तो आपको इतना देना पड़ेगा। मुझे हैरानी होती है, आपका बेटा आपने पढ़ाया है तो आपको पढ़ाना आपका फर्ज था, तो उसमें बेटी का बाप बेचारा कहाँ से बीच में आ गया? वो उनसे पूरे पैसे, ये चली आ रही है परंपरा, ये हमारे देश में रीति रिवाज में आज भी गांव वाले फॉलो करते हैं। इवन शहरों में भी घुस गया, शहरों में भी शादी होती है तो उनको पता है कि हमको अपने लड़के वाले को इतना देना। तो ये टेंशन मैं समझता हूँ या तो हम अपने कानून बदल कर उसको इम्प्लीमेंट करके लोगों को आश्वस्त कर दें कि भाई आपके घर लड़की पैदा होगी तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, अच्छी तरह से शादी होगी, अच्छी तरह से शादी होगी, कोई लड़के का बाप आपसे पैसे नहीं मांगेगा। जिस दिन ये परंपरा इम्प्लीमेंट हो गई, कोई लड़की पैदा करने में कोई भी कभी भी हिचकिचाएगा नहीं और डरेगा नहीं। यहाँ तक कि आपको पता है कि भ्रूण हत्या हो जाती है जब पता लगता है कि लड़की पैदा होने वाली है। बहुत बुरी तरह से ये गांव-गांव में, शहरों में फैला हुआ है। पता लगता है कि लड़की पैदा हो रही है तो उसको बोलते हैं इसकी हत्या कर दो, और भ्रूण हत्या करा दी जाती है। लड़की जिंदगी में आने चाहती है उसको वहीं मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लड़का है तो वंश चलाएगा हमारा, लड़की तो जाना है शादी करके चली जाएगी, तो उनको वो डर रहता है। इसीलिए मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ अपने इसका निवारण करने के लिए। चलो मेरी तरफ से नहीं, बट चलिए पंडित गंगाधर की तरफ से मैं एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो मैं मोदी जी की तरफ से जो नारा दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी से वंश चलाओ। शादी के बाद लड़की नहीं जाएगी ससुराल में, लड़का जाएगा ससुराल में। अब आप लोग सोचोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि क्या होता है हर घरों में। हर घर में जब लड़की शादी करके ससुराल में जाती है, बेचारी अकेली होती है, उनके ससुर या सास पूछती है अरे भाई तेरे बाप ने कहा था कि मोटरसाइकिल देगा, फ्रिज देगा, अलमारी देगा, क्या हुआ उसका? अब वो बेचारी बहू जो है वो घूंघट में रहती है, हाँ जी जी बहू जी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर घर
लेकिन अगर इमेजिन कीजिए लड़का शादी करके वहां पर गया हुआ है और लड़के को वही सवाल किया जाता है, अरे भाई तेरे बाप ने कहा था कि अलमारी देंगे, फ्रिज देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, क्या हुआ? तो लड़का क्या करेगा? हाँ कहा था, बोलो क्या करने का? ये लड़का कह सकता है, लड़की नहीं कह सकती। लड़की बेचारी पूरे परिवार को छोड़कर जाती है किसी और घर में, अकेली होती है, सामने सास ससुर ननद और देवरानी, कई कई लोग वहां होते हैं, उसके बीच में बेचारी अकेली रहती है, वो नहीं कर पाती। लड़का अपने आप को संभाल सकता है। तो मेरा ये एक आइडिया है, मैं समझता हूँ अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये सारे दहेज की परंपरा, ये दहेज का जो डर है सब हट जाएगा। ये भी डर हट जाएगा कि लड़की पैदा हुई तो उसको मेरे प्रॉब्लम आ गया, हमारा सर झुक जाएगा, हमें ये करना पड़ेगा। जो नाखुशी होती है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि शादी के बाद लड़की ने घर में रहना है और लड़के ने ससुराल में जाना है, और लड़की से वंश चलाओ। और मैं हमेशा से कहता हूँ, लड़की अपने पिता से अपनी माँ की जितनी करीब होती है, लड़का उतना करीब नहीं रहता। शादी जब उसकी हो जाती है किसी और बहू जब घर में आती है तो वो बहू का हो जाता है, वो माता पिता की तरफ कम ध्यान देता है, लेकिन लड़की शादी के बाद भी फोन पे पूछती रहती है अपने माता पिता का। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ,